वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बता दूं, एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन घर बैठे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत था और मुझे मिला। तो दोस्तों मैंने सोचा आप सभी के लिए क्यों ना वीडियो बनाया जाए। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग सभी वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जीबी बैंक उल्टे के इस चैनल में, आप सभी को दिल से आप सभी को स्वागत करता हूँ। और इस चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि यहां पर फाइनेंस और लोन्स रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग सारी वीडियोस, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग मिलती रहती है। दोस्तों यहां पर सारी जानकारी मैं दूंगा, पर्सनल लोन मुझे मिला, कितना मिला, मैंने कितने ब्याज पे लिया एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन, तो सारी जानकारी आपको मिलेगा। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, 500 लोग तो इस वीडियो को लाइक करने वाले होंगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं, पूरी जानकारी आपको देता हूं। जो ईएमआई बना है 3400 के करीब कुछ बना है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। आप थोड़ा सा 5-6 मिनट हाथ में टाइम लेके वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पर इतना जल्दी तो मैं पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखा सकता हूँ। मैं थोड़ी मैजिशियन हूँ दोस्तों, मैजिशियन तो मैं नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन सटीक पहुँचाना ही मेरा काम है, देना ही काम है, लेकिन मैं रोबोट्स भी नहीं हूँ और मैं मैजिशियन भी नहीं हूँ कि मैं आपको 2 मिनट में पूरा प्रोसेस लेके बैंक खाते में दिखा दूँ अपना लोन अमाउंट। दोस्तों आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा दिल से। अगर आप एक ह्यूमन है और अगर आपके अंदर इंसानियत बचा है तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है। आपको मैं क्या बताऊं, एक हाथ में मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ हूं और एक हाथ में मेरा फोन है, बहुत दर्द कर रहा है मेरे दोस्त, इसी चीज के लिए मैं बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, स्किप ना करना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, पसंद करूंगा देना। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी क्या बात हो जाता है पता है, आप कमेंट पे लिखना कोई भी दिक्कत आए ना, आई नीड योर हेल्प, जरूर लिखना दोस्तों। इससे हमें क्या होता है दोस्तों, हम कमेंट में जरूर आपसे कम्युनिकेट करते हैं और दोस्तों कमेंट में जानते हैं कि आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो बस आपको मैं वही बता देता हूँ जो भी आप का कमियां हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अवेयरनेस कहना चाहता हूँ, आज की डेट में दोस्तों, आज की तारीख में भारत में क्या हो गया दोस्तों, इतने ज़्यादा फेक एजेंट बढ़ गया है और फेक एप्लीकेशंस, फेक कंपनीज, फेक वेबसाइट बन चुका है जिससे आपको बच के रहना है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लोन देने के नाम पे दोस्तों प्रोसेसिंग फीस लिया जा रहा है। ये बहुत लोगों से मैं सुनता आ रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए हर वीडियो में मैं अवेयर करता रहता हूँ कि कभी भी किसी को अगर आपको लोन की लालच दे तो ज़रूरी नहीं है कि उनको आप उनसे बात करें, या दोस्तों अगर वो बात कर रहा है तो दोस्तों अगर वो प्रोसेसिंग फीस मांग रहा है एडवांस लोन देने से पहले ही, तो बिल्कुल ही वो फ्रॉड्स होगा। ऐसे लोगों से बच के रहना, इसी चीज़ के लिए सोशल मीडिया में अपना मोबाइल पर अपना पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें, ये अवेयरनेस में फैलाता रहता हूं। हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन बताना, इंफॉर्मेशन शेयर, पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा जरूर, प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें यार, वीडियो बनाने का जो मकसद है हमारा पूरा नहीं होगा दोस्तों। हमने अप्लाई नाउ के बटन में यहां पर लाके खड़ा कर दिया दोस्तों, लाइक जरूर करना है एक वीडियो को प्लीज, और कमेंट में लिखे अगर आपको यहाँ पर लोन मिला और कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना करो, कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हो करो, आपका नाम शेयर करो, या दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है आई नीड योर हेल्प जरूर लिखे कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री बटन है दोस्तों, ठीक है, आप इस्तेमाल करो ताकि आप से हम कम्युनिकेट कर सकें। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाता है, यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या डॉक्टर हो या प्राइवेट कंपनी में काम करते हो दे दीजिए दोस्तों। मैं तो सैलरी डू में कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, मैं अंत में ये लोन को अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से लिया हुआ है लोन, ठीक है दोस्तों। पूरा चीज़ मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करना है, वो वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है वगैरह सब दिखा दूंगा, लेकिन अप्लाई मैं अपने खाते में नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको करना है, अगर आपको ज़रूरत है आप कर सकते हो, वीडियो को पूरा देख लो, मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर देना है आपको अपना और यहां पर ऑथराइज एचडीएफसी बैंक इट्स रिप्रेजेंटेटिव कॉल एंड एसएमएस, मुझे कॉल कर सकता है, बातें कर सकता है और एचडीएफसी बैंक की पूरी जानकारी दे सकता है लोन के बारे में, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको एग्री कर देना है, मोबाइल नंबर देने के बाद कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, एंजॉय कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट 10% 10.75% से स्टार्ट हो जाता है, गेट एलिजिबिलिटी एंड चेक एंड 5 मिनट्स लोन रिलीज 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको बैंक खाते में लोन देता है, रिलैक्स विथ फ्लेक्सिबल ईएमआईज एंड चूज रिपेमेंट ड्यूरेशन अप टू 3 इयर्स, ठीक है
ट्रैक आवर एप्लीकेशन इजिली ऑन योर मोबाइल ऐप, एंजॉय इनश्योर डोर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योर योरसेल्फ विद एक्सीडेंट कवर एंड लोन सिक्योरिटी एंड नॉमिनल प्रीमियम, चैट कंटेंट, कॉन्टैक्ट आवर लाइव असिस्टेंट्स फॉर एनी हेल्प यू नीड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल लोन जियो सान से दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है आपको, यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर पर्सनल लोन को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका मोबाइल नंबर दे के आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने OTP को फिल कर दिया, उसके बाद जो स्टेप आ जाता है दोस्तों हम पूरा करेंगे। दोस्तों अभी क्या करना है हमें, अपने मोबाइल नंबर देने के बाद OTP आएगा, अपने मोबाइल नंबर पे OTP को फिल करना है, फिर आपको KYC करना है, वॉलेंटरी आधार KYC करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल एंड फर्स्ट वे टू अप्लाई पर्सनल लोन फ्रॉम HDFC, चूज एंड कंटिन्यू कर देना है या अपलोड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाइक ब्रांच KYC, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड गेट लोन पोस्ट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज करना है, दो प्रोसेस से आप कर सकते हो। आप अपना ब्रांच KYC दोस्तों यहाँ पर आप ब्रांच में डोर स्टेप में करा सकते हो या ऑनलाइन करा सकते हो आधार के द्वारा, चूज एंड कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास देगा सिलेक्ट द प्रेफर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश करना है, एग्री कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपका आधार नंबर, KYC डिटेल्स, आपका आधार नंबर, आपका अगर आप आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते हो तो VIRCHUAL ID होता है, VIRCHUAL ID जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, VIRCHUAL ID दोस्तों, बहुत सारे लोग होता है कि आप आधार कार्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं, दोस्तों VIRCHUAL ID भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू कर देना है। सबसे बड़ी बात हो जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर 1,00,000 की अगर लोन लेते हो और ROI, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ 10.50 दोस्तों, 10.5% की इंटरेस्ट के हिसाब से सालाना 10 ईयर 5 साल के लिए लेते हो, EMI आपका 2,149 रुपये बनता है और प्रोसेसिंग फीस 3,999 रुपीस बनता है। एडिशनल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट वगैरह ये है वो मिला के टैक्सेस और एप्लीकेबल दोस्तों आपको इतना मिल जाता है। दोस्तों आपको टोटल कितना चुकाना पड़ रहा है आप देख लीजिए, टोटल आपको जो पे करना पड़ रहा है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो जाता है कि आपको अपना आधार कार्ड डिटेल्स देना है, KYC करना है, उसके बाद कंटिन्यू करें। चलिए मैं आधार नंबर देकर बात कंटिन्यू करके आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। ध्यान रखें कि यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपकी, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उसी के वजह से ई साइनिंग प्रोसेस पूरा हो, KYC होगा। अगर आपका OTP नहीं आता है, मान लीजिए आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो दोस्तों ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उस OTP को आपको देना होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका HDFC में पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस, KYC करना है और दोस्तों आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर हमने यहाँ पर अप्लाई किया, दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। यहाँ पर HDFC.com, यहाँ पर साइट HDFCbank.com आप देख सकते हो, यहाँ पर पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पर्सनल लोन की जो बैंक पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो, EMI कैलकुलेटर मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट कर ले सकते हैं हम लोन अमाउंट को ईजिली, और दोस्तों HDFCbank.com में जाके हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं गूगल में लेके जाके आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको ये स्टेप आएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर गूगल में, यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको HDFC बैंक पर्सनल लोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया HDFC बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों आपको जो साइट दिख रहा है, यहाँ पर साइट देख सकते हो आप, HDFCbank.com की तरफ से होगा, HDFCbank.com, इसमें पर्सनल लोन अप्लाई कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सनल लोन यहाँ पर स्टेप आ चुका है, उसके बाद दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन मिल जाता है, EMI कैलकुलेटर मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको पूरी जानकारी दे दिया जाएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों आपका 21 साल से 60 साल की उम्र होना चाहिए और आपका इंडिविजुअल हुआ है जॉब फॉर 2 ईयर्स, आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अगर कस्टमर हो और HDFC बैंक सैलरी रिक्वायर्ड है तो 25,000 की मंथली इनकम होना चाहिए, अगर आपका HDFC बैंक खाता नहीं है तो 50,000 का मंथली सैलरी होना चाहिए। यहाँ पर अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, EMI स्टार्ट हो जाता है 12,00,000 में 1,829 रुपये, लोन अप टू 40,00,000 ले सकते हो आप। ठीक है,
और लोन डिसबर्समेंट हो जाता है आपका 4 घंटे में मिनिमल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपको देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हो अपना पासपोर्ट, वोटर आई डी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट लगेगा लास्ट 3 मंथ का, पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ का, अगर पासबुक दे रहे हो तो 6 मंथ का और बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो 3 मंथ का, 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगेगा, करेंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फ्रॉम 60, प्रूफ ऑफ एंड यूज़। ठीक है दोस्तों, आपको ये देना पड़ेगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, रेट एंड फीस इसके बारे में जान लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर वही चीज़ है 21 साल से 60 साल की उम्र होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई नाउ की बटन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे स्टेप फिल करके अपना मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देना है, उसके बाद अपना आधार डिटेल्स को फिल करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस लिंक नहीं खुल रहा है, आधार डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद OTP आएगा आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और उसके बाद इस साइनिंग प्रोसेस पूरा होगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पार करेंगे और आपको धीरे धीरे अपना पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, सारी चीज़ों को देने के बाद अप्रूवल मिलेगा और बैंक ऐड करके दोस्तों आप आसानी से HDFC बैंक से पर्सनल लोन ऑनलाइन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर लोन की राशि ज़्यादा होगा दोस्तों आपको यहाँ पर डोर स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा या नियरेस्ट ब्रांच में जाके ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सठीक जानकारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया, कोशिश करना ब्रांच में जाके आप अप्लाई करने की, अगर आपके नज़दीकी HDFC बैंक है तो दोस्तों ज़रूर जाइए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो अवेयर मैंने आपको किया कि कभी भी किसी भी एजेंट को या कोई भी फेक कॉल जो भी करता है दोस्तों आपको लोन की लालच देता है, ऐसे लोगों से कभी भी बात ना करें, और एडवांसली अगर वो प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस आपसे लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों ऐसे लोगों से इग्नोर करें, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल ही फ्रॉड्स लोग होते हैं। आप बैंक के ही सहारा ले, बैंक से ही कॉन्टैक्ट करें, जेन्युइन मैनेजर से बात करें दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद करूंगा आपका दिन शुभ होगा और आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको जानकारी मैं देता रहूंगा पर्सनल लोन रिलेटेड और भी जरूर बैंकिंग के, फाइनेंस के रिलेटेड। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कॉमेंट में कोई भी क्वेश्चन रह गया तो पूछ सकते हो, बता सकते हो, और आई नीड योर हेल्प जरूर लिख देना अगर आप प्रॉब्लम में हो और कोई भी सवाल करना है दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम।